दोस्तों ये लग्जरियस टिकवुड से बना हुआ डाइनिंग टेबल, इसकी जो थीम है वो हाफ सर्कल वाली थीम बनाई हुई है, और इसके अंदर जो लकड़ी यूज़ की है वो है ओरिजिनल टिकवुड, टिकवुड वो भी सेंट्रल प्रदेश का टिकवुड है। देखिए अभी इसका पूरा डिज़ाइन देखते हैं। देखिए स्पेस सेविंग फर्नीचर के तौर पे भी आप इस डाइनिंग टेबल को यूज़ कर पाओगे। ये फोर सीटर डाइनिंग टेबल है, देखिए यहाँ से आप सीट को निकाल सकते हो, चेयर को देखिए। अभी चेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो लकड़ी यूज़ की हुई है ये सिंगल लकड़ी है, कोई भी जॉइंट नहीं है यहाँ पे, और ये भी सब टिकवुड है। और यहाँ पे जो कुशन है वो भी देखिए लग्जरियस कुशन लगाया हुआ है, ये राउंड में ये भी टिकवुड है। इसके जो लेग है ये भी टिकवुड से बने हुए हैं, सारे लेग यहाँ पे लकड़ी, ओनली यहाँ पे प्लाई यूज़ किया हुआ है। देखिए ये कुशन को सपोर्ट देने के लिए प्लाई यूज़ किया है, बाकी सब लकड़ी ओरिजिनल टिकवुड की है। इसके अंदर जो पॉलिशिंग किया हुआ है वो भी मेलामाइन पॉलिशिंग है। अब देखिए चारों चेयर इस तरीके से आप निकाल पाओगे, मैं आपको प्रैक्टिकल निकाल के दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही चारों चेयर को आप हटाओगे, देखिए अभी इसका लुक देखिए, ये प्रीमियम लुक में लगेगा। ऊपर की ओर से देखिए ये लुक आपको हाफ राउंड दिखेंगे दोनों साइड, और यहाँ पे देखिए नीचे, देखिए यहाँ पे जो लकड़ी यूज़, यहाँ पे भी ये सिंगल लकड़ी है, ये जो राउंड आपने देखे ना ऊपर वो सिंगल लकड़ी है। देखिए ये भी सिंगल लकड़ी, देखिए पूरा इसके अंदर आपको ओरिजिनल टिकवुड के फिगर दिखेंगे। देखिए जो लकड़ी को पहचानता है ना वो पहचान पाएगा, ये ओरिजिनल टिकवुड की लकड़ी है। आमतौर पे घाना नाइजीरिया जो वहाँ से जो टिकवुड आता है वो भी थोड़े बहुत फिगर इस तरीके के रहते हैं, मगर वो थोड़ा चीप मिलता है। अगर घन पर घन फीट का इसका कॉस्टिंग देखें ना, घाना नाइजीरिया की जो लकड़ी आती है उसका वो ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 2500 रुपीज़ के आसपास होता है, डिपेंड्स अपॉन लकड़ी। मगर ये जो ओरिजिनल सीपी साग यानी कि सीपी टिकवुड आता है, जो कॉस्टिंग होता है पर घन फीट का, तो वो होता है ऑलमोस्ट 4000 रुपीस से लेके 5000 रुपीस तक। तो ये थोड़ा कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो लकड़ी आती है उसकी कंपैरिजन में। दोस्तों डाइनिंग टेबल का साइज़ देखें तो ये वाला जो साइज़ है वो है 4.5 फीट का, और ये वाला जो साइज़ है ये है 3 फीट का। और इसकी जो चेयर आती है वो इस तरीके से इसके अंदर देखिए पजल की तरह फिट हो जाती है। देखिए चारों चेयर इसके अंदर ऐसे फिट हो जाएगी। आमतौर पे नॉर्मल डाइनिंग टेबल में इस तरीके से रहती है चेयर, मगर इसके अंदर देखिए चारों चेयर इसके अंदर चली जाएगी। और देखिए इसका चेयर रखने के बाद भी इसका लुक आप देखिए प्रीमियम लुक लगेगा। अगर आप टिकवुड लवर है, मतलब टिकवुड की लकड़ी के डाइनिंग टेबल आपको पसंद आते हैं, तो ये वाला डाइनिंग टेबल दोस्तों बेस्ट, लुक में भी लग्जरियस लग रहा है। तो इस तरीके का डाइनिंग टेबल है। अब इसका चेयर जो यहाँ पर रखी है इसका अगर साइज़ देखें, ऑलमोस्ट इसका जो कुशन से लेके इसका जो हाइट है 12 इंच के आसपास है, और ये वाला जो साइज़ है वो है ऑलमोस्ट 15 इंच के आसपास। और इसका ये लेग का पूरा हाइट देखें तो ऑलमोस्ट विथ कुशन है 18-19 इंच के आसपास इसका हाइट है। तो ये थे डायमेंशन दोस्तों, इसके ऊपर बैठने में देखे कैसा लगता है। देखें तो ये एवरेज पर्सन के लिए इसका जो हाइट है वो भी इनफ दिया हुआ है। दोस्तों अगर इस डाइनिंग टेबल का कॉस्टिंग देखें तो ऑलमोस्ट 33,000 रुपीज़ के आसपास है।